नमस्कार। आप लोग जब कोई एग्जाम देते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं इस बात को लेके कि कैसे पढ़ें कि एग्जाम पास ही ना हो, आप टॉप कर जाएं। आज ऐसी ही कुछ बातों पे चर्चा करने वाले हैं और कुछ ऐसे टिप्स आपको देने वाले हैं। किसी भी एग्जाम को पास करना है इसको लगाइएगा, इस ट्रिक को आजमाइएगा, रिजल्ट 100% पॉजिटिव ही आएगा। ये पांचों फार्मूले, ये पांचों टिप्स आपके सामने हैं। पहला आपको समझ में आ गया होगा PYQ। जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देख डालें। वो क्वेश्चंस आपके लिए आधार होते हैं, बेस होते हैं। उन क्वेश्चंस के आधार पर आप ये समझ पाते हैं क्या पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है। और ये समझ में आने के बाद आप ये समझ जाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है ये जानने के लिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि पूछा क्या जाता है, और ये बताता है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। सब लोग देखते हैं लेकिन इसको देखने का तरीका आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए तो क्वेश्चंस को रटने के बजाय आप ये देखिए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। क्वेश्चन किसी टॉपिक से पूछा जाता है तो ज्यादा फैक्ट पूछ रहा है या ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछ रहा है। अलग अलग परीक्षाओं में ये अलग अलग नेचर पाया जाता है। जब आप वन डे एग्जाम देते हैं तो वहां पे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, और जब आप यूपीएससी का या पीएससी का एग्जाम देते हैं तो वहां पर ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। जेआरएफ का एग्जाम देते हैं, नेट का एग्जाम देते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। आप टॉपिक से रिलेटेड जहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं उनका नेचर अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, बनाते चलिए एक ऐसा खाका जो आपको पूरे सिलेबस का आइडिया दे दे। जब आप उसको पलटे तो आपको पता रहे कहां से क्या पढ़ना है। दूसरी बात जब मैं बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, FSR। FSR का मतलब है फुल सिलेबस रीडिंग। अब आप कहेंगे कि पूरा सिलेबस रीड करने को बोल रहे हैं, पूरा सिलेबस कोई कैसे रीड कर सकता है। आजकल के जो पेपर आ रहे हैं वो फुल सिलेबस से ही बिलोंग करते हैं। हर एक पेपर को सेक्शन में बांटा जाता है, और सेक्शन में बांटते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कोई भी ऐसा यूनिट, कोई भी ऐसा विषय ना छूटे जहां से क्वेश्चन ना पूछे जाए। ये हो सकता है कहीं से कम कहीं से ज्यादा, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं हैं जहां ये भी निश्चित रहता है कि कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपकी नेट की परीक्षा है तो वहां पर निश्चित है कि पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट में हर एक यूनिट से 5 सवाल आने हैं। आरओ यारो की परीक्षा है तो निश्चित है हिंदी की 6 यूनिट में से हर एक यूनिट में 10-10 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन वहीं से पूछे जाने हैं। जीएस के पेपर में थोड़ा सा कभी कभी अनियमितता होती है, लेकिन ये देखिए कि जब आप फुल सिलेबस रीड नहीं करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस ना कवर हो पाने की स्थिति में स्कोर तब कम हो जाएगा जब आप अपने कम्फर्ट जोन वाले टॉपिक से पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे या वहां से टफ क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक बार आप फुल सिलेबस की रीडिंग कर लीजिए। फुल सिलेबस रीड करने का मतलब यह है कि जो टॉपिक आपके रुचि वाले हैं, इंटरेस्टेड, जिसमें आप रहते हैं, इंटरेस्ट है वो भी, और जो बोरियत फील कराते हैं, जिसमें लगता है कि इसको पढ़ने में आपको नींद आती है, नहीं मन करता है, उसको भी एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन उसके बाद में कोर टॉपिक का चुनाव भी आपको करना है। कोर टॉपिक आप सिलेबस ये आपको चुन लेना है। कोर टॉपिक चुनने का फायदा ये होता है कि यहां पर आप एक्सपर्ट होते हैं। हो सकता है किसी को साइंस अच्छी आती हो, किसी को इतिहास अच्छा आता हो सकता है किसी को इकोनॉमी ना आती हो लेकिन उसका ज्योग्राफी बड़ा अच्छा हो। तो आप हर सिलेबस में, चाहे जिस एग्जाम का सिलेबस है, वहां कोर टॉपिक चुन लीजिए। कोर टॉपिक चुन के आप उन टॉपिक्स पे 80-90%, और कोशिश करिए कि 100% परफॉर्मेंस आपकी हो। लेकिन 100% अगर नहीं हो पाती है तो प्रेशर में नहीं आना है, इस कारण से क्योंकि किसी की भी 100% परफॉर्मेंस नहीं होती है। अगर किसी की हो भी जाती है तब भी आपको प्रेशर में नहीं आना है। तो कोर टॉपिक का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है, और कोर टॉपिक में जो आपका स्कोर होना चाहिए वो मिनिमम 80% प्लस होना चाहिए। नहीं 100% हो रहा है तो 80% प्लस होना चाहिए। फुल सिलेबस रीडिंग के बाद कोर टॉपिक जब आपने निकाल लिया तो बाकी जो आपका सिलेबस का हिस्सा बचा वहां पर भी आपको परफॉर्म करना है, लेकिन वहां पर प्रेशर ये नहीं है कि आपको 80% परफॉर्म करना है। वहां पर आप अगर 50-60% भी कर देते हैं, 50% से ऊपर करते हैं
तो अच्छा रहेगा, यानी कि ये आपके सब्सिडरी टॉपिक हो जाएंगे, ऐसे टॉपिक जो सहायक के तौर पर काम करेंगे। तीसरी बात है एमबीएन। एमबीएन का फुल फॉर्म है मेरी भाषा में मिस्टेक बेस्ड नोट। मिस्टेक बेस्ड नोट बनाने का सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि ये आपकी गलतियों का नोट्स होता है, ये आपकी गलतियों का पिटारा होता है, और ऐसी गलतियां जो आप एग्जामिनेशन में कर सकते थे उसको आपने पहले ही फिल्टर कर लिया। ऐसी गलतियां जो वहां जाती तो आपको फेल कराती, बॉर्डर लाइन पे ले आती, लेकिन आपने पेपर देखने के क्रम में जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, या दूसरा अवसर आपको मिलता है टेस्ट सीरीज करने के क्रम में, इसको क्या किया, तैयार कर लिया नोट्स जहां पे आपकी गलतियां ज्यादा होती हैं। गलतियों का नोट्स हमेशा आपको अलर्ट रखता है, गलतियों का नोट्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां करने से बचाता है। तो ऐसे नोट्स बहुत जरूरी है बनाने, और ये नोट्स अपने हाथ से आप बनाइए, ये हैंडी नोट्स होने चाहिए, ये नोट्स शॉर्ट्स होने चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट होने चाहिए जिसको आप कभी भी कहीं भी रिवाइज कर सके। और कोशिश करिए इसके लिए छोटी छोटी डायरी या पतली पतली नोटबुक का इस्तेमाल करिए जिसको आप कहीं भी कैरी करके ले जा सके। और इसके बाद में एक अंतिम फार्मूला है, वो है RRR। आप इस फार्मूले को अगर आजमा लेते हैं और इस फार्मूले को अगर आप अपना लेते हैं तो दोबारा किसी अन्य फार्मूले को आजमाने की और अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है RRR और इसका फुल फॉर्म है रिवीजन, और इस आर का मतलब है रिवीजन, और इस आर का मतलब है रिवीजन। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके बिना सब बेकार है। जो रिवीजन नहीं करते वो गलतियां ज्यादा करते हैं, जो रिवीजन नहीं करते उनको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज होती है। आपको लगता है कि आपने पढ़ा है और आप क्वेश्चन को करते जरूर हैं, और अगर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग हुआ तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि आपको याद आता है कि हमने पढ़ा था, और आप उस क्वेश्चन को जरूर करते हैं, और क्वेश्चन को करते समय आप कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जो रिवीजन कर लेते हैं तो उनको सीधा, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, बाकी लोगों को पूरी मछली दिख रही थी, किसी को मछली का सर दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को केवल आंख दिख रही थी, क्योंकि वही टारगेट था, उन्होंने अभ्यास किया था। तो आपको भी रिवीजन करना है और इसका कोई विकल्प नहीं है। डेली पढ़िए, अगले दिन उसका रिवीजन करिए, साप्ताहिक रिवीजन करिए वीकली, और फिर हर एक टॉपिक को मंथली भी रिवाइज करिए। कम पढ़िए लेकिन बार बार रिवीजन करके उसको पुख्ता कर लीजिए, अपनी परमानेंट मेमोरी में ले जाइए। जब आप किसी से बहुत दिन तक नहीं मिलते हैं तो वो भूल जाता है आपको, साल दो साल किसी से ना मिलिए, महीने दो महीने ना मिलिए, फिर देखिए क्या होता है। तो अगर टॉपिक से आप नहीं मिलते रहेंगे तो टॉपिक भी आपको भूल जाएगा। ये टिप्स जो हैं आप अजमा के देखिए, 100% रिजल्ट आएगा। एग्जाम कोई भी हो ये कारगर है हर एक एग्जाम में, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी अगले सेशन में और बात करते हैं कुछ ऐसे ही एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में।